हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 की क्लास 2। लास्ट क्लास है आज आपका, ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर देखो, एक बात होती है सर, तो आपने पढ़ा है एम्बेसीज के बारे में, फॉरेन डिप्लोमेट्स एम्बेसी के बारे में। जैसे इंडिया में ये जो राजपथ है, इंडिया में आप लोग जानते हो ना राजपथ है, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की सर एम्बेसी है, यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इसराइल की है, डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, समझ रहे हो सर? हाँ सर, हर कंट्री की, मैंने शायद कंपनी गलती से बोली, हर एक देश की अपनी एक एम्बेसी है। और यहाँ पे जो काम करते हैं, मान लो यूएसए की जो एम्बेसी है उसमें यूएस सिटीजन वर्क कर रहे होंगे, वहां का कोई आदमी बैठा होगा, तो वो सर, ये जो आदमी है ये 365 डेज इंडिया में ही रह गया, तो भारत का सर रेसिडेंट हो जाता है, समझ रहे हो इस बात को? इसी तरीके से सर, अब इसको हटा दो क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन फाइनल का पॉइंट आएगा, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। इंडिया भी एक देश है और इंडिया का कोई ना कोई आदमी ये फॉरेन डिप्लोमेट या फिर आपको एम्बेसी समझो, इंडिया की एम्बेसी भी यूएसए में है, ये है इंडिया की एम्बेसी, तिरंगा अपना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडियंस भी तो होंगे, इंडिया की एम्बेसी जो इंडिया के बाहर यूएसए में है उसमें कुछ इंडियंस भी तो अपॉइंटेड होंगे। हाँ सर, इंडियंस तो अपॉइंटेड होंगे और वो इंडियंस 365 डेज इंडिया के बाहर रहते होंगे। हाँ सर, मान लीजिए ये यूएसए है तो 365 डेज वो यूएसए में रहते होंगे। इट मीन सर, ये लोग अगर 365 डेज यूएसए में रह रहे हैं तो सर ये हमारे क्या हो गए, नॉन रेसिडेंट। कैसे क्लियर हुआ सर? रेसिडेंट बनने की फर्स्ट क्या होती है, सर रेसिडेंट बनने के लिए हमको क्या चाहिए, 182 डेज और मोर रहता हो फर्स्ट कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, 60 डेज करंट ईयर में या लास्ट के 4 ईयर्स के अंदर 365 डेज। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब सर हम एडिशनल कंडीशन पे जाते हैं, 10 में से 2 बार रेसिडेंट बन गया हो 10 सालों में और 7 सालों में 730 दिन रहा हो। बट सर यहाँ पे ये पूरे के पूरे 365 दिन पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर में अगर वो देश के बाहर रहे हैं तो सर वो पहले ही नॉन रेसिडेंट बन गए, एडिशनल कंडीशन देखने की नीड ही नहीं है, वो तो एक एनआर बन चुके हैं सर, नॉन रेसिडेंट बन चुके हैं। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। बट सर एक बात बताइए, ये जो आदमी यहाँ रह रहा है, ये जो आदमी सर यहाँ रह रहा है, ये इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट करके उस यूएसए की एम्बेसी में बैठाया होगा ताकि वो भारत का काम कर सके, वीजा वीजा लोगों का जो भी देख रहा होगा वो करता रहे वहां पे। आपको इतना तो बेसिक क्लियर है ना यार कि हर कंट्री में दूसरे कंट्रीज की एम्बेसी होती है, ठीक। तो एम्बेसी के अंदर जो एम्बेसी है आपकी वहां पे, उसके अंदर यहाँ का कोई आदमी भी काम कर रहा होगा, यूएसए में जो भारत की एम्बेसी है उसमें कुछ इंडियंस वर्क कर रहे होंगे, जो कि अपॉइंट कौन किया होगा बोलो, अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वहां वर्क कर रहे होंगे सर, तो उनको सैलरी भी तो जाएगी, उन लोगों को सैलरी भी तो जा रही होगी सर। लेट्स से 30 लाख रुपीज की सर सैलरी गई, तो सर ये जो सैलरी गई, ये सैलरी कहाँ से गई सर, ये सैलरी कहाँ से गई सर, सैलरी इंडिया से आएगी ना, दिल्ली से सर सैलरी जा रही होगी, इंडिया से सैलरी जा रही होगी ना सर, तो इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, कहाँ अर्न कर रहे हैं पैसा, कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से पैसा मिल रहा है सर, ये पैसा इनको इंडिया से मिल रहा है, तो सर इंडिया में इनके पैसे पे तो टैक्स लगना चाहिए ना। हाँ सर, इंडिया में ये नॉन रेसिडेंट होते हैं, साल में एक भी दिन नहीं रहते और डायरेक्ट इनके फॉरेन अकाउंट के अंदर आके पैसा मिल जाता है, फिर भी ये इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया कहलाती है। क्या कहलाती है सर? डीम्ड टू बी अक्रूज्ड, अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, ये माना जाता है कि ये पैसा डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया हो गई, इसलिए भाई साहब इस पर टैक्स इंडिया में ही लगता है। क्लियर हो रहा है बात? हाँ सर। सर लेकिन आपने जब भी सैलरी हेड पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सर सैलरी के साथ डिफरेंट टाइप के परक्यूजिट्स भी तो दिए जाते हैं, सैलरी के साथ डिफरेंट टाइप के परक्यूजिट्स भी तो दिए जाते हैं, तो सर क्या होता है, सैलरी के साथ जब डिफरेंट टाइप के परक्यूजिट्स भी दिए जाते हैं तो सर क्या होता है? सर होता बस इतना ही है कि उन परक्यूजिट्स की जो वैल्यू होती है वो भारत में तो हम टैक्सेबल कर देते हैं, परक्यूजिट की वैल्यू जोड़ देते हैं, लेकिन जब हम फॉरेन नेशनल की बात करेंगे, जो बंदा एनआर हो गया, एनआर को अगर यूएसए में रहने के लिए कोई परक्यूजिट मिला है, सैलरी तो ये मिली ही, मान लीजिए कोई परक्यूजिट मिल रहा है तो परक्यूजिट को इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, परक्यूजिट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, इतना याद रखना, ठीक है।
सैलरी टू की डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मानी जाती है, लेकिन परसिक्यूटेड को एग्जेप्ट कर दिया जाता है ऑलवेज सर। और जब आप फाइनल में आओगे या इंटरनेशनल टैक्सेशन इलेक्टिव लोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सर एक एग्रीमेंट होता है कि मेरे देश में तुम्हारे देश का, जैसे इंडिया के अंदर जो यूएसए के होंगे ना लोग, उनका भी हम टैक्स नहीं लेंगे, तुम मेरे यहाँ के टैक्स वालों को एग्जेम्प्ट कर दो, तुम केवल अपने आदमी का टैक्स लेना, तुम्हारे आदमी का टैक्स हम नहीं ले रहे हैं, ये सब ट्रीटीज वगैरह में लिखा होता है। आपको उतना पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि सर जो बंदा इंडिया के बाहर इंडियन एम्बेसी में है और उसको इंडियन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उसकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कोई परक्यूजिट मिल रहा है तो परक्यूजिट एग्जेम्प्ट हो जाता है, परक्यूजिट पे टैक्स नहीं लगता। और बाकी वो रूल तो आपको पता ही है, इंडिया में कमाई हो, इंडिया में पाई हो, या सर्विस इंडिया में यूटिलाइज हो गई हो, तो उस वाली इनकम पे टैक्स इंडिया में आ ही जाता है। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। आइए सर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स, इलस्ट्रेशन सिक्स आपसे क्या कहता है, मिस्टर डी एन इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी मैंने नहीं कहा, मैंने रेसिडेंट नहीं कहा, भारत के नागरिक हैं, एज 40 इयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2022 ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कैनेडा। भाई साहब ये चले गए कनेडा, कहाँ चले गए सर, कनाडा में चले गए। कनाडा में जब गए तो इनकी एज 40 इयर्स थी और ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन के गए हैं, समझ रहे हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन के गए हैं। ओके, एज से हमको ये पता चल गया इनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 40, 40 साल की है तो 2.5 लाख रुपए ही है। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। ओ माई गॉड, प्रीवियस ईयर 22-23 में एक भी दिन ये भाई साहब नहीं आए, प्रीवियस ईयर 22-23 में ये भारत में एक भी दिन रहने के लिए नहीं आए, मतलब कंप्लीटली 365 डेज ये कहाँ थे, आउट ऑफ इंडिया, कंप्लीटली 365 डेज ये कहाँ थे, आउट ऑफ इंडिया। सर जब ये कंप्लीटली 365 डेज आउट ऑफ इंडिया थे, इट मीन्स ये एक नॉन रेसिडेंट बन गए, 182 डेज और मोर, और 60 डेज, और 4 साल में 365 डेज की कंडीशन ही मीट आउट नहीं हुई। ठीक है सर, ही हैज रिसीव द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 22-23 के लिए फॉलोइंग इनकम इन्होंने बताई है। फर्स्ट, और यहाँ पे लिख लो बेटा क्वेश्चन, मेरे साथ जब भी पढ़ो कंप्लीटली चेस्ट बैक को आराम देते रहो, कुर्सी पे एकदम टेक लगा के बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल कैलकुलेटर उठाइएगा और क्वेश्चन पॉइंट्स के लिए पेन उठाइएगा, बाद में पॉज करके जो लिखना है लिख लीजिएगा। सैलरी कंप्यूटेड, सैलरी कहाँ से आएगी सर, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट इंडिया से आ रही है ना, सैलरी तो इंडिया से आ रही है, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, और इस सैलरी पे इंडिया में टैक्स लगता है। बट याद रखना, अगर कंप्यूटेड वर्ड आ गया है, इट मींस ऑलरेडी एडजस्टेड है, एज लाइक इसमें सेक्शन 61 की, 16(1) की जो एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसका मतलब 5 लाख रुपया फ्लैट टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्या मतलब है सर, अगर ये कंप्यूटेड वर्ड नहीं लिखा होता, बात समझो, अगर ये कंप्यूटेड वर्ड नहीं लिखा होता तो हम 5 लाख रुपए में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देख के 4,50,000 रुपए को क्या करते हैं, टैक्सेबल करते, क्या करते हैं, टैक्सेबल करते। बट यहाँ पे चूंकि कंप्यूटेड वर्ड लिखा है इसलिए हम 5 लाख को टैक्सेबल करेंगे, समझेंगे कि 50,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो सर कितना हो गया, 5 लाख रुपए सर सैलरी का होगा टैक्सेबल। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, तो सबसे पहले सर सैलरी जाएगा उसके अंदर, दूसरा क्या जाएगा देखते हैं, फॉरेन अलावेंस नॉट इंक्लूडेड इन वन अबव, अभी हमने पढ़ा सर फॉरेन अलावेंसेस एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो सर ये तो टैक्सेबल सैलरी में जाएगा नहीं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, इंडिया के बैंक में अगर एफडी रखे और उसपे इंटरेस्ट मिला तो सर इंडिया से पैसा कमाए ना, बैंक इंडिया में था, इंडिया के बैंक में एफडी रखे, इंडिया में इंटरेस्ट कमाए, इंडिया से हुई इनकम पे टैक्स तो लगता है, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, ऑर्डनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट हो। तो सर यहाँ पे इस 1 लाख रुपए पे भी क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, नेपाल के अंदर कोई आदमी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहा है सर, कौन, कोई भी हो, नॉन रेसिडेंट अगर नेपाल में एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है तो एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल की, एक्टिविटी नेपाल में, पैसा कमाई नेपाल में, हमें क्या मतलब, कुछ भी नहीं लिखना भाई साहब, नो ट्रीटमेंट, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट कुछ मत लिख देना, एग्रीकल्चर इनकम देखिए एग्जेम्प्ट वगैरह मत लिखने लगना नोट में, कुछ भी नहीं होगा इसका, ये भैया इसका इंडिया में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, टैक्सेबिलिटी आती तब एग्जेम्प्शन मिलती है ना, टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल,
कोई मतलब नहीं है भाई। नेपाल में घर बनाए, नेपाल में किराया पाए, नेपाल में ही कमाए, नेपाल में उड़ाए, भारत में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सर टोटल ग्रॉस टोटल इनकम इनके लिए हो जाएगी 5 लाख, ये 1 लाख है, टोटल 6 लाख रुपीज ओनली। अब प्रेजेंटेशन पार्ट देखो, स्किप मत करो, वीडियो आगे मत बढ़ाओ, वीडियो आगे मत बढ़ाओगी सर समझ में आ गया अब हम नहीं पढ़ेंगे, रुक जाओ वीडियो आगे मत पढ़ो। प्रेजेंटेशन पार्ट मोस्ट आईएमपी, जो हम आपको ऐसे सिखाते हैं ना, पैसा भारत में कमाए हो, पैसा भारत में कमाए हो, रिसीव किया हो या सर्विस यूटिलाइज की हो, ये आपको याद करने के लिए समझाया, ऐसे लिख के नहीं आना है। अब देखो लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, इस चीज को सीखो तभी नंबर मिलेगा। देखो आओ, एज पर सेक्शन 6(1), 6(1) नहीं याद रहता है, 6(b) याद रहता है काम चलेगा, 6(b) याद नहीं रहता कोई बात नहीं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मिस्टर डेविड इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 सिंस ही वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। ओके, ये बात उन्होंने ही लिख के दी थी क्वेश्चन में। अब लिखना क्या है, एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, अ नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया ओनली, केवल तभी होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इनकम्स, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर उसकी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुई है, या फिर उसकी इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुई है या डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुई है, ये लाइन आपको लिख देनी है। उसके बाद आप लिखेंगे, इन व्यू ऑफ द एबव प्रोविजंस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ डेविड अज्यूमिंग दैट द सेम वाज रिसीव्ड इन नेपाल। हमने अज्यूम किया है कि वो पैसा नेपाल में मिला है, इसलिए उस पर कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। ठीक है सर जी, इतना समझ में आ गया। हैंस सच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डेविड इवन दो ही इज नॉन रेसिडेंट, इसलिए भैया वो इनकम तो टैक्सेबल हो जाएगी, जो मैंने आपको समझाया तो वही बात लिखी है। हाउएवर यद्यपि अलावेंस और परक्यूजिट पेड, हाउएवर अलावेंस और परक्यूजिट पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडियन बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7), 10 सबसेक्शन 7, हेंस द फॉरेन अलावेंस ऑफ 4 लाख इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7) इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डेविड। आप सीधे लिख दो भैया, फॉरेन अलावेंस एग्जेम्प्ट होते हैं, आपको इतना अब याद रहेगा कि सैलरी टैक्सेबल रहती है, फॉरेन अलावेंस एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, ये आपको याद रहेगा, सेक्शन नहीं याद रहेगा लिखने की भी नीड नहीं है। तो सर सैलरी 5 लाख टैक्सेबल और बैंक की एफडी 1 लाख टैक्सेबल, 6 लाख रुपए टैक्सेबल आ जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस वी पेड अ सम ऑफ $5,000 टू मिस्टर के, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो स्पेशलाइजिंग इन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ओके सर, इसके पहले एक आपको एक छोटा सा मैं रूल समझाऊंगा। सर ये अपना देश है इंडिया, ठीक है सर, ये अपना देश है इंडिया। सर इंडिया में मान लीजिए सर ऐसा होता है, यहाँ पे ये कोई नॉन रेसिडेंट है, सर ये कोई नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, प्लीज 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 इधर देख लो बेटा, यहाँ पे सर ये कोई नॉन रेसिडेंट है एनआर, इसने ऑस्ट्रेलिया से क्या किया, लोन लिया, इसने लोन लिया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक, और इस आदमी ने यहाँ पे आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया इवन, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक, और बिजनेस करके क्या क्या इनकम जनरेट की, प्लीज बात को समझना, ये नॉन रेसिडेंट है भैया, ये नॉन रेसिडेंट हंसता गाता नॉन रेसिडेंट गया ऑस्ट्रेलियन आदमी से लोन लिया, लोन लिया इंडिया में आके उससे बिजनेस किया और यहाँ पे इनकम जनरेट करके इनकम वापस ले गया, और इनकम जनरेट करके वापस ले गया, और चाहे समझो यहीं से इसको इंटरेस्ट का पेमेंट किया हो, चलो इस तरीके से समझ लो, इंटरेस्ट का पेमेंट किसको मिला, ऑस्ट्रेलिया में इस लोन के बदले क्या आ गया, यहाँ से इंटरेस्ट आ गया। हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है, हमारा ये रूल कहता है कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट से भी, मेरे वर्ड्स को सुनो एक बार में याद हो जाएगा, अगर किसी नॉन रेसिडेंट से भी आपने लोन लेके इंडिया में बिजनेस किया और इनकम जनरेट की, तो जो भी रीपेमेंट जाएगा ना इंटरेस्ट, एज अ इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया होगा। उसका कारण ये है कि यहाँ बिजनेस कहाँ किया गया, इंडिया में, इंडिया से पैसा कमा के अगर लोन का रीपेमेंट हो रहा है, हिंदी में सुनो, इंडिया से पैसा कमा के अगर लोन का रीपेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट, लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया हो जाता है। एक बार अंतिम बार,
इंडिया से कमाए हुए पैसे से अगर किसी लोन का इंटरेस्ट पे हो रहा है तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो जाता है। इस केस में हुआ क्या था, एक आदमी ने एनआर ने आउटसाइड इंडिया से लोन लेके इंडिया में बिजनेस किया था, इनकम कमाया था और उस लोन का इंटरेस्ट पे किया था, तो वो इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं है। तो हमारे इस केस में क्या हुआ, मिस वी जो है इन्होंने 5 लाख रुपए, 5 लाख US डॉलर, सॉरी 5,000 US डॉलर को मिस्टर के, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो स्पेशलाइजिंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो, पेमेंट कोलंबो में मेड हुआ, मिस्टर के इज अ नॉन रेसिडेंट, मिस्टर के नॉन रेसिडेंट है, ठीक, मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ और है, मिस्टर के एनआर है, चलो, द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया विद पॉसिबल सिलोनेस कोलैबोरेशन, ओके, इन इंडिया, प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब भाई बात सुनो, यहाँ पे तो अलग ही कंसेप्ट निकल के आया, सुनो मजे की बात सुनो, मिस्टर वी यहाँ पे है, मिस वी है, चलो वी यहाँ पे है, ठीक, इनको कितना दिया गया, $5,000 दिया गया, किस लिए, कोई सर्विस ली गई, और वो सर्विस कहाँ ली गई, कोलंबो में ही ली गई, पैसा भी कहाँ दिया गया, कोलंबो में दिया गया, सर्विस कोलंबो, एक मैंने आर्ट अटैक का केस समझाया था, सर्विस भी कोलंबो में दी गई, पैसा भी कोलंबो में लिया गया, लेकिन वो सर्विस यूटिलाइज कहाँ हो रही है, सर बिजनेस कोलैबोरेशन की जो बात हो रही है वो कहाँ पे, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो उसकी सर्विस इंडिया में कंज्यूम होगी ना, उसकी कोलंबो की जो उसने सर्विस दी है, कनाडा कोलंबो, कोलंबो में जो सर्विस दी है वो इंडिया में कंज्यूम हो जाएगी ना, क्योंकि इन प्रोजेक्ट इन इंडिया, प्रोजेक्ट कहाँ है भाई, इन इंडिया है, प्रोजेक्ट कहाँ है, इन इंडिया है, ठीक है, इन द पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, जी हाँ, क्योंकि सर्विस यूटिलाइज इंडिया हुई इसलिए पेमेंट चार्जेबल टू इंडिया हो जाएगा, इन द हैंड्स ऑफ इसके, सिंस द सर्विस वाज यूज्ड इन इंडिया, ट्रू, ऐसा ही होगा। देखो क्या लिखा है, अब इसको एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, आओ, अ नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ओनली इफ, अगर उसको रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कोई इनकम हो रही है वो तभी इंडिया में चार्जेबल होती है यदि सच इनकम अक्रूड और राइज और ड्यूड टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया, ठीक है, ये पॉइंट तो सर पता था, लिखा क्या आप देखो, द इनकम ड्यूड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इनकम मान ली जाएगी कि वो इंडिया में ही अक्रू हुई है, इंडिया में ही कमाई गई है और अराइज भी हुई है, इंडिया में ही मिली है, ऐसा मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 9, कंप्राइजेस इंटर आलिया इनकम बाई वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस, अगर कोई भी इनकम बाई वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रीड एंड रिमेंबर, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको लिखना पड़ेगा, इन टेक्निकल सर्विस या टेक्निकल फी, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, इस वर्ड को आपको लिखना पड़ेगा, इसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज भी आती हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विस में मैनेजमेंट सर्विस भी आ जाती है, ठीक है, बाय वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस विच इंक्लूड्स एनी कंसल्टेशन फॉर रेंडरिंग एनी मैनेजेरियल टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो कोई भी पैसा फॉर द पर्पस ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस, अगेन समझो, इंक्लूड इनकम बाय वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस अगर मिलता है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब कोई भी आपने मैनेजेरियल या टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस दी हुई हो, देयरफॉर पेमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ फी फॉर कंसल्टेंट, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, मतलब इस कारण से कोई भी जो आपने काम किया है, जो इंडिया के प्रोजेक्ट पे अगर आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विस दी है तो वो क्या कहा जाएगा, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, इन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे ना मैंने जान करके वो जो आपको सर्विस यूटिलाइजेशन इतना इजी समझा दिया है, अब देखो ये उसको कैसे घुमा घुमा के वहीं क्रक्स मैंने आपको दिया, मैंने आपको ना पूरा ये बुक जो थी पूरा अपना उसको निचोड़ के उसका क्रक्स पकड़ा दिया कि गलती कहीं नहीं करना, अब उस क्रक्स के लिए आप अपना सपोर्टिंग तैयार कर रहे हो कि हाँ इस कारण ये पहुंचा है, तो सीधे बोला कि भाई इस टाइप की कोई भी सर्विसेज होती है तो उसको फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहा जाता है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी आई थी, फिर क्लैरिफाई किया कि इनकम बाय वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस फ्रॉम सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया, यूटिलाइज्ड इन इंडिया, सोचो ये टर्म्स ना खोज के फिल्टर करने में बहुत टाइम लगा था, सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इन केस नॉन रेसिडेंट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, यदि नॉन रेसिडेंट ने उसको अपनी टोटल इनकम में ऐड कर दिया है तो भाई हम बोलेंगे कि वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, whether or not such service was rendered in India or whether or not non-residents has a residence or a place of business or business connection in India, चाहे वो इनकम, चलो एक बार फिर से यहां से पढ़ो, whether or not कहाँ गया, whether or not such service was rendered in India, चाहे वो सर्विस भारत में दी गई हो या नहीं दी गई हो,
चाहे वो जो नॉन रेसिडेंट था, वेदर और नॉट नॉन रेसिडेंट हैज अ रेसिडेंट प्लेस ऑफ इंडिया, चाहे वो सर्विस इंडिया में दी गई हो या ना दी गई हो, चाहे नॉन रेसिडेंट का रेसिडेंस भारत में हो या ना हो, चाहे नॉन रेसिडेंट का कोई बिजनेस कनेक्शन भारत में हो या ना हो, अगर वो सर्विस भारत में यूटिलाइज हो गई तो हमें नहीं मतलब है आपका कोई घर भारत में नहीं है, हमें नहीं मतलब है आपका प्रोफेशन भारत में नहीं है, हमें नहीं मतलब है आप सर्विस आके भारत में नहीं दिए हैं। उस सर्विस अगर भारत में यूटिलाइज हो गई तो भैया इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। इन द इंस्टेंट केस सिंस द सर्विस वाज यूटिलाइज्ड इन इंडिया, द पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर के अ नॉन रेसिडेंट इन कोलंबो इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिया, इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर, बहुत सिंपल लग रहा है हमको चीजें, बहुत ही मजा आ रहा है। और आप लोगों के व्हाट्सएप आए थे कि आप लोगों को चीजें बहुत आसान लग रही हैं, इसका भी मैंने व्हाट्सएप आप लोगों को पढ़ ही लिया था परसों ही आया था। चलो यार इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम पढ़ाएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप ही लोग खुद ही सॉल्व करोगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप ही लोग खुद ही सॉल्व करोगे। मैं क्या करूंगा सर, मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूं। आई गेस इट्स रेनिंग आउटसाइड सर, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मिस्टर रमेश मिस्टर सुरेश आर ब्रदर्स, भाई मेरे भाई, एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। रमेश और सुरेश भाई हैं और ये कुछ इनकम्स के बारे में बताया गया जो वो जनरेट करते हैं। रमेश सेट अच्छा सेटल्ड इन कैनेडा इन द ईयर 1996 एंड सुरेश सेटल्ड इन दिल्ली। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। रमेश, ये रमेश कहाँ चला गया है सर? कनेडा रहने। कहाँ? कनेडा सर, कनेडा चला गया है। ओके सर जी, कनेडा। कीबोर्ड आज ही आएगा, ठीक है सर जी। ये कहाँ चला गया? कनेडा। मतलब सर ये नॉन रेसिडेंट हो गया। चलो सीधी बात सर, ये एनआर हो गया कि नहीं हो गया सर? ये क्लियर नहीं दिख रहा है सर, ये नॉन रेसिडेंट हो गया कि नहीं हो गया? रमेश जो है सर आपका, ये क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया। और सर ये एक आदमी जो दिल्ली में ही रह रहा है वो सर आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। सुरेश जो है सर आपका, ये रेसिडेंट हो गया ऑर्डिनरी वाला। हाँ सर, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। एक भाई नॉन रेसिडेंट हो गया भाई साहब एनआर, क्योंकि ये कनेडा जाके रहता है, और एक आपका रेसिडेंट रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, क्योंकि भैया दिल्ली में ही है। साल भर बेचारा 365 डेज में दिल्ली की गर्मियां भी झेलता है, सर्दियां भी झेलता है, बरसातें भी झेलता है और ट्रैफिक भी झेलता है, तो एक रेसिडेंट भी हो गया आपका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड ओनली 50% रिसीव्ड इन इंटरेस्ट। अब देखो कनेडा जो रेसिडेंट बंदा है उसके लिए तो वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल, तो सर इस 40,000 में पूरा का पूरा सर क्या यहाँ पे 40,000 रुपये टैक्सेबल नहीं हो जाएगा? आप में से कितने लोग मुझे बोलेंगे नहीं हो जाएगा? सर जो रेसिडेंट बंदा है उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल, तो क्या 40,000 में पूरा का पूरा 40,000 रुपये सर टैक्सेबल नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन सर जो मेरा नॉन रेसिडेंट है उसके लिए भारत में कमाई हो, भारत में पाई, या सर्विस यूटिलाइज की हो, तो भारत में केवल 50% इंटरेस्ट तो रिसीव हो रहा है, तो सर इस भाई साहब के लिए केवल 17,500 रुपए ही तो टैक्सेबल होगा। ओनली एंड ओनली 17,500 रुपए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा जो नॉन रेसिडेंट है। दूसरा देखो, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। जो भैया ये कनेडा वाला आदमी लंदन में कुछ भी पैसा कमाया हो, हमें क्या मतलब? हम इंडिया में वो टैक्स नहीं ले पाए क्योंकि ना कमाया है ना पाया है ना सर्विस यूटिलाइज हुई है, तो भैया यहाँ पे इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। 28,000 रुपये पे कुछ भी नहीं होगा इसका, 28,000 रुपये का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन भाई साहब के लिए तो भारत में, भारत के बाहर कहीं कुछ भी कमाए हो, पूरी दुनिया की इनकम आके भारत में टैक्सेबल हो जाती है, तो 20,000 रुपये इनके लिए टैक्सेबल हो गया। तीसरी चीज देखते हैं सर, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर। नागपुर, नागपुर पता है कहाँ पे है? अरे नागपुर इंडिया में है। अच्छा सर, नागपुर इंडिया में है जहाँ के संतरे आते हैं? हाँ, बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। सर एक बात बताओ, मैनेज कहीं जाके करो, कमाए भारत में हो ना, तो चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, टैक्स भारत में ही दोगे। तो सर ये जो 1,00,000 रुपए है सर, ये 1,00,000 रुपए नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा, और ये 1,40,000 रुपए सर इस सुरेश, हाँ सुरेश रेसिडेंट के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। ये शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन असेट से कमाओगे तो भारत में टैक्सेबल, और दूसरी बात रिसीव्ड भी भारत में हुआ है। भाई साहब यहाँ पे तो इंडिया में टैक्स लगेगा ही लगेगा। सुरेश को तो 90,000 रुपये भरना ही भरना है,
ये वाले भाई साहब जो रमेश भाई साहब हैं, ये भी पूरा का पूरा 60,000 था क्या? हाँ, ये 60,000 रुपये पूरा का पूरा इनके खाते में भी जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, अगर कोई चेन्नई में तुम कुछ भी कमाए हो तो हमें क्या करना है? चेन्नई में कमाए हो ना? हाँ सर, हम तो चेन्नई में कमाए, टैक्स भरो भारत में। भारत से कमाए हो तो भैया भारत में टैक्स जाएगा, 70,000 का यहाँ पे भी जाएगा और 80,000 एमडी केस में भी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, रेंडर्ड इन इंडिया, रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। सर्विस कहाँ दी हो? इंडिया में। भाई कोई टेंशन नहीं है, 1 लाख रुपए, सीधी बात, नो बकवास, 1 लाख रुपए यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। नॉन स्टूडेंट के हाथ में भी ये पैसा भारत के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है। क्लास 1 के बाद तुरंत इसको करोगे और अच्छे समझ में आएगा। चलो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑफ यूको बैंक इन दिल्ली। यूको बैंक जो दिल्ली में था, उसका जो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का था उसका। अब सर यहाँ पे एक लिखो क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो बेटा क्वेश्चन, 80 TTA भी जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट जहां पे भी आ गया, 80 TTA का डिडक्शन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था टोटल इनकम निकालनी है, और टोटल इनकम बोले तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन नेट टोटल इनकम। समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो ये याद रखना, जहां इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आ गया सर, ठीक है। तो भारत का बैंक था, तो भाई साहब कोई भी आदमी हो, भारत का बैंक है तो टैक्स, भारत में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, हम खत्म। लेकिन ये 80 TTA वाली डिडक्शन याद रखने की नीड है आपको। ओके सर, उसके बाद देखते हैं सर, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के अंदर आ गया, और भारत के अंदर अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट करते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10(1), इसलिए इस पैसे पे कोई भी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट, टैक्स पे नहीं कर सकता। ओके सर जी, रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हाँ सर, मतलब भारत में। यस सर, तो सर हमको तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही, तो सीधी बात, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 1 लाख माइनस 30%, दैट इज 70,000 रुपए सर यहाँ टैक्सेबल होगा, 70,000 सर यहाँ टैक्सेबल होगा, और 60,000 माइनस 30%, 42,000 सर यहाँ टैक्सेबल होगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 30,000 सर, 80C की डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। अब एक बार देखो टोटल क्या आ रहा है, प्लीज जल्दी जल्दी टोटल कर दो। 40,000, आई कैलकुलेटर उठा के टोटल कर दो ना, 40,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 12,000 प्लस 42,000, दैट इज आपका 4,14,000 आ रहा है। देखो 4,14,000 सर, 4,14,000 आ रहा है मेरा ये, ठीक, 4,14,000 देख लो यार सर, 4,14,000 आ रहा है। अब इसमें से माइनस 80C की डिडक्शन कर दो, ये 30,000 सर यहाँ पे माइनस जाएगा सर, 30,000, और सर माइनस कर दीजिए 80 TTA वाला, ये 80 TTA वाला जो 12,000 था ना इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो सर 12,000 का डिडक्शन नहीं दे सकते, मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन दे सकते हैं एज पर चैप्टर नंबर 7, जो मैं आपको अभी बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग रिपीटर हो इसलिए आपको पता होगा, -7,000 कर देंगे। अब देखो कितना आता है, -37,000 करने के बाद आपका आता है 3,77,000, 7,000 सॉरी 12,000 था ना, -8,12,000 था ना, तो सॉरी मैक्सिमम 10,000 तक कर सकते हैं, तो सर ये करने के बाद आता है 3,74,000 हो जाए, 74,000 रुपीज। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब इसमें अगर तुम करोगे ये वाला पोर्शन, तो सर यहाँ पे आपका आ रहा है 4,34,500 रुपीज, 4,34,500 रुपीज, ये टोटल समेशन करोगे। लेकिन सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट TTA वाला मिलेगा सर, हमको इनकम 7,000 की हुई है, गलती से डिडक्शन 10,000 मत कर देना, डिडक्शन 10,000 तक मिलता है, लेकिन इनकम ही 7,000 हुई थी, तो 7,000 का तो डिडक्शन दोगे भाई, तो सर 7,000 का डिडक्शन देख के 4,27,000 रुपए आ जाएगा, 27,500 रुपए। अब सर आपको रीड करना है ये, प्लीज रीड कर लेना, प्लीज रीड कर लेना, मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, बट प्लीज एक बार खुद से पढ़ लेना, हो सके तो नोट्स लिख देना, नोट्स के ही नंबर मिलते हैं भाई, इंस्टीट्यूट में सब लोग इतना सॉल्व करके आ सकते हैं, बट नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे नंबर लाने के लिए। ये देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30%, डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो वहां डायरेक्ट कैलकुलेट करो, इसी ब्लॉक के अंदर बना दो, यहाँ पे इनकम 1 लाख रुपए की,
इसी ब्लॉक के अंदर जो ये आपने ब्लॉक बनाया है, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ गया? हाउस प्रॉपर्टी था ना, यहीं पे लिखो 1 लाख माइनस 30% 70,000। यहाँ पे ये भी कर सकते हो अगर टाइम नहीं, यहाँ पे इन्होंने सेपरेट एक आपको नोट टू अकाउंट बना के दे दिया है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है, तो इसको प्लीज एक बार पढ़ लेना अपने मन से, मैं पॉज नहीं करने का टाइम दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द करेक्टनेस एंड और अदरवाइज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की करेक्टनेस को समझना है, और ये जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन। मतलब क्या है, देखो, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड है कि वो भारत के अंदर अक्रू और अराइज हुई है टू अ नॉन रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट को, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस टू द एक्सटेंट इज रिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। कि ये माल इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो जाएगी किसी भी नॉन रेसिडेंट को, अगर उसने टेक्निकल फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। ये हम नहीं देखेंगे कि टेरिटोरियल नेक्सस क्या है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस सर ट्रू है। अभी हमने फी फॉर टेक्निकल सर्विस दिखा था ना, कि अगर सर्विस इंडिया के अंदर यूटिलाइज हो गई तो हम कौन सा टेरिटोरियल नेक्सस देखे थे? भाई वो आदमी कनाडा में बैठा था, याद आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसको इसी तरीके से लिखना होगा। देखो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब लिखना कैसे, देखो छोटा सा ही लिखना है, बहुत मामूली सा लिखना है, लेकिन एक बार प्लीज पढ़ो। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस विच इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज जो भी है, शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर नॉन रेसिडेंट वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, चाहे हो या न हो। क्या नॉन रेसिडेंट हैज रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंस, बिजनेस प्लेस, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, पहले कुछ ने पढ़ा है तभी बात लिखी है। नॉन रेसिडेंट हैज अ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और नॉन रेसिडेंट हैज रेंडर्ड सर्विस इन इंडिया, चाहे उसने सर्विस इंडिया में दी है या नहीं दी है कोई मतलब नहीं, उसका बिजनेस प्लेस है, ऑफिस है, बिजनेस कनेक्शन है, रेसिडेंस है, इंडिया में है या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। अगर सर्विस इंडिया में यूटिलाइज हो गई तो ये सब चीजें हम नहीं देखते हैं। इन इफेक्ट द इनकम बाय वे ऑफ फी, टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी फ्रॉम सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया अगर है ना, तो हमें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। यही बात लिखा है, अगर सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया तो किसी चीज से मतलब नहीं है कि वो नॉन रेसिडेंट भारत में सर्विस दिया था कि नहीं दिया। सर्विस कहीं भी दिया हो, यूटिलाइज इंडिया में हुई, बस बात खत्म। उसका भारत में रेसिडेंस है नहीं है, बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है, बिजनेस कनेक्शन है नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं। सर्विस भारत में यूटिलाइज हो गई, इट मीन्स डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो गई, और टोटल इनकम इंडियन टोटल इनकम में आ जाएगी। वुड बी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। Whether or not such service was rendered in India and irrespective whether such non-resident has a residence, place of business, business connection in India। ये ऊपर की बात दोबारा नीचे लिखे हैं और इसके बैक टू बैक वाले क्वेश्चन में मैंने सेम बातें बताई थी। चलो सर, अब सर कोई क्वेश्चन बचा है क्या हमारा? आइए क्वेश्चन नंबर 1, शायद दो क्वेश्चन बचे होंगे, कर लेते हैं। बहुत हल्के क्वेश्चन है बेटा, अब बहुत हल्के क्वेश्चन है, 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा। मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया ऑन 22 सितंबर 2022 फॉर फर्स्ट टाइम टू वर्क एज ऑन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इन जर्मनी। कितने दिन इंडिया में स्टे किया बताओ, स्टे बताओ जल्दी से। 22 सितंबर को गया है ना, तो सर अप्रैल रहा, मई रहे, जून रहे, जुलाई रहे, अगस्त रहे, सितंबर को भी रहे, कितना हो गया, कितना हो गया, देखो 30 + 31 + 30 + 31 + 22 175 डेज स्टे इन इंडिया थे। मतलब करंट ईयर में 182 डेज और मोर तो नहीं रह पाए। ठीक है सर जी। और दूसरी बात सर, एक दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ा है सर, दो कंडीशन होती है, वन 182 डेज और मोर वाली एक कंडीशन होती है, और सर सेकंड कंडीशन होती है करंट ईयर में 60 डेज प्लस बीते 4 सालों के अंदर 365 डेज, याद आ रहा है? बट सर ये दूसरी कंडीशन नहीं देते हैं अगर इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और अगर वो आदमी बाहर गया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दो कंडीशन थी, क्रू शिप मेंबर जो फॉरेन जा रहा है, दूसरा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है। ये क्या लिखा है, कंपनी इन जर्मनी फॉर वर्क एज एन, सर ये एम्प्लॉयमेंट का केस है सर, ये आदमी एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, देखो एम्प्लॉयमेंट का केस है सर। तो सर ये वाला रूल नहीं देखेंगे, केवल 182 डेज और मोर वाला रूल देखेंगे। ये इंसान 175 डेज ही इंडिया में रहा,
उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। इतना इजी अब आपके लिए मैं इन चीजों को बना चुका हूं। और बेटा पढ़ते हैं एक बार, चलो इसको फिर से पढ़ के देखते हैं कैसा लिखा है। सर हाँ हम बोर हो जाएंगे सर, आप एक एक लाइन पढ़ाओगे तो नहीं होगे बोर। चल ना लाइक पढ़। अंडर सेक्शन 6(1) एन इंडिविजुअल सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो मान लेंगे भैया कि वो रेसिडेंट है। ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अगर वो इंडिया के अंदर टोटल पीरियड 182 डेज और मोर अगर उसने रहा है, और ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग फोर इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, सॉरी इमीडिएटली फोर प्रीवियस ईयर ऑफ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर विच हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट ऑफ 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। कुछ नहीं, यही वाली लाइन लिखी है, वही यही वाली 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर और एंड 60 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर्स के अंदर 365 डेज, वही बात यहाँ लिखी है। ठीक है, इन दिस केस इंडियन सिटीजन लिविंग फ्रॉम द फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मस्ट बी 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज ऑफ गिवन इन टू अबव। मतलब यहाँ पे ये लिखा है इसमें वो जो पीरियड 60 है ना वो 182 डेज हो जाना चाहिए। मतलब सीधी बात है भाई, बस पहली वाली कंडीशन ही होनी चाहिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो भाई साहब कितने दिन रहे, 175 डेज, देयरफॉर ही लेफ्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के कारण बाहर गए हैं, सिंस ही हैड नॉट सेटिस्फाइड मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 182 डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बेटा क्या अलग मैंने बता दिया था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपने सॉल्यूशन निकाला होगा। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते हुए निकाला, शायद 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन निकलेगा या सेकंड्स में निकल सकता, हो सके 40 से 45 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। क्या ही अलग लिखा था बेटा, क्या ही अलग लिखा था। आपको उस तरीके से लॉ पढ़ा रहे हैं कि पढ़ो और अप्लाई कर पाओ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वहां पे आपकी। क्या ही अब इससे ज्यादा मैं करा पाऊंगा इसमें, आपको बस थोड़ा सा फोकस रखो पेपर, बहुत आसानी से वहां क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। अब 100% पेपर न भी सॉल्व हो, 80% पेपर जो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आता है वो आपका बहुत इजीली होगा। बाकी जो 20% पेपर होगा जो कि एकदम न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन होगा, उसकी भी एडजस्टमेंट्स इसी के बेस पे सॉल्व हो जाएंगे, परेशान होने के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, थोड़ा तेज पढ़ते हैं। मिस्टर डी अ नॉन रेसिडेंट रेजाइडिंग यूएस सिंस 1990। एक आदमी 1990 से यूएस में रह रहा है, 1990 से यूएस में रह रहा है, केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को वो पहली बार भारत आया, इसके पहले वो 10 साल 20 साल तक भारत आया ही नहीं है कभी। ठीक है सर जी, फॉर द परमानेंट सेटलमेंट व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बता दो। देखो यार, 1 अप्रैल 2021 को आया, लिखा नहीं कब गया, मतलब 21 से आया अभी तक रह रहा है, मतलब पूरा पूरा साल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक भी भारत में रहा हो तो 182 डेज रह लिया, 182 डेज और मोर रह लिया, तो रेसिडेंट तो हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के केस में भाई, जब ये कभी भी इसके पहले आया ही नहीं था तो 10 सालों में 2 साल भी नहीं रह पाया होगा और 7 सालों में 730 दिन भी नहीं रह पाया होगा, तो 365 दिन भारत में रहने के बाद भी ये भाई साहब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए। कितना ओरल सॉल्व कर रहे हो आप, चेक करो, मजा आएगा जब ओरल सॉल्व कर रहे हो। देखो यही बात लिखी होगी, देखो मिस्टर डी इज रेसिडेंट इन असेसमेंट ईयर 23-24 सिंस ही इज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज, दैट इज मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक, एज पर सेक्शन 66 पर्सन इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ एनी ऑफ प्रीवियस ईयर इफ सच पर्सन, अगर वो 10 प्रीवियस ईयर में 2 टाइम रेसिडेंट बना हो तो वो बनता है, या फिर 7 साल में 730 दिन रहा हो तो बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इफ एनी कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो। ये कंडीशन को जिस तरीके से उन्होंने लिखा है उसका दूसरा रूप आपको यहां मिल जाएगा। देखो ये 2 एडिशनल कंडीशन आपको यहां मिल जाएगी, उन्होंने लैंग्वेज बदली है, 730 की दिन की जगह लेस देन 729 और लेस लिख दिया है उन्होंने, जो हम लोग जिस लहजे में, मैं आपको एक अफर्मेटिव सेंस में समझा रहा हूँ, उन्होंने अफर्मेटिव में नहीं बोला, उन्होंने निगेटिव सेंस में बोला है, इसलिए उस लाइन को मत पढ़ना, ये वाली लाइन पढ़ लेना, छुट्टी का कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि अगर कोई ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है पेज नंबर 2.36 पे, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता है। तो इसलिए मिस्टर ये जो भी आपके थे डी,
ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। देखो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे इफ दे डिड नॉट सेटिस्फाई आइदर ऑफ दीज कंडीशन, इन्होंने क्या लिखा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो यहाँ पे लिखा डज नॉट सेटिस्फाई आइदर ऑफ दीज कंडीशन ही वुड बी अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अरे क्या उल्टा सीधा लिख रहे हैं यार ये लोग तो। इफ ही डज नॉट, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया क्योंकि ये 730 दिन 729 दिन और लेस रहेंगे, तो कंडीशन बोला है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली बात कर दी है। आप ना पॉजिटिव अफर्मेटिव में ही पढ़ो, क्योंकि मैं अफर्मेटिव पढ़ा रहा हूँ ड्यूटी का, मैं भी उल्टा बोल गया, मैं भी गलत बोल गया यहाँ पे। ये आप ये वाली लाइन में भी नॉट सेटिस्फाइड होने पे क्या हो जा रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और आपने कैसे पढ़ा है कि 10 प्रीवियस ईयर में अगर 2 प्रीवियस ईयर में कोई रेसिडेंट बन गया और 7 ईयर में कोई 730 डेज अगर इंडिया में रह गया तो वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट। ये उल्टा चीज यहाँ लिखे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया नॉट सेटिस्फाइड। आपने इस तरीके से पिला है पढ़ा है, इसलिए आप क्या लिखते हो, सेटिस्फाइड। ठीक है ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ ईयर 23-24 हिज स्टेटस वुड बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इतनी मगजमारी के बाद यही समझ में आया जो मैंने आपको दो लाइन में समझाया था। सिंस ही वॉज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 out of 10 previous year इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस 23-24 ही कैन बी रेसिडेंट ऑर्डिनरी। तुम इतना पूरा लिखने की जगह, ये नेगेटिव सेंस में लिखने की जगह आप सीधा सीधा अफर्मेटिव सेंस में ये वाली लाइन लिखना जिसकी आपको प्रैक्टिस है, जिसकी आपको प्रैक्टिस है, सीधा आप ये वाली लाइन लिखना। ठीक है, अफर्मेटिव बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है, इंस्टीट्यूट ही दोनों लैंग्वेज यूज करता है। आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुना था ना, बस वही एक्टिव पैसिव का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ सर। सर और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, आइए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। एग्जामिन द रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। क्या सर ये सब ट्रांजेक्शन रेसिपिएंट के हैंड्स में इनकम टैक्स अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इस चीज को इसने पूछा है। इनकम टैक्स अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इस चीज को इसने पूछा है। कैलकुलेटर रखते हैं, बताइए सर। सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ 7 लाख फॉर द सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना, तो डीम्ड टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया हो गया ना, तो सर 7 लाख सैलरी पे तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन सर यहाँ कंप्यूटेड वर्ड नहीं है, इसलिए -50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा सर, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 वाला। तो सर 6,50,000 रुपए सर टैक्सेबल हो जाएगा, देखो टैक्सेबल हो रहा है 6,50,000 रुपए। एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया इज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अक्रूड एज इन इंडिया, देयरफॉर सैलरी पेड टू द सेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड एज इन इंडिया सिंस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही वुड बी एंटाइटल्ड टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 से। ठीक है, बोलता हूँ ना यार, समझ गए, बहुत इजी था ये, तो थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है यार, थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख बाय अ नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट ने बोरो किया था पैसा, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया एट मुंबई, और उससे बिजनेस किया इंडिया में, और उसका इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख बाय नॉन रेसिडेंट। देखो एक नॉन रेसिडेंट है, मैंने ये केस पढ़ा दिया आपको, एक नॉन रेसिडेंट ने इंडिया के बाहर से पैसा बोरो किया इंडिया के, और इंडिया के अंदर बिजनेस किया, और नॉन रेसिडेंट जब इंटरेस्ट का रिपेमेंट करता है तो वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होता है। ये जो इंटरेस्ट 5 लाख रुपए है ये भारत में टैक्सेबल होगा। अभी फिर से आपको पढ़ा देंगे, आओ देखो। टैक्सेबल 5 लाख रुपीज एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 इंटरेस्ट पेबल बाई अ नॉन रेसिडेंट ऑन मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई सच पर्सन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ये बिजनेस तुम्हारा कहाँ हुआ है, बिजनेस कैरिड ऑन कहाँ हुआ है, इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया अगर हुआ है और कोई नॉन रेसिडेंट अगर भारत के बाहर से लोन लेता है और पैसा यहाँ लगा के बिजनेस करता है, तो जब लोन का इंटरेस्ट का रीपेमेंट करता है ना, लोन का इंटरेस्ट जब वो देता है, ये इंटरेस्ट डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो जाता है, और इंटरेस्ट को इंडिया के टोटल इनकम में कंसिडर किया जाता है। इस आदमी की टोटल इनकम बन जाएगी इंडिया में, यूएसए में मान लो कोई आदमी बैठा होगा, ठीक है। तो यही लिखा है एज पर सेक्शन 9(1), अगर कोई भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो किसी नॉन रेसिडेंट को
ऑन मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई सच पर्सन इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस करने के लिए जिस मनी को आप यूज किए थे, जिस मनी को ये नॉन रेसिडेंट यूज किया था, उस पैसे पर ब्याज जब वो देता है, तब वो ब्याज शैल बी ड्यूम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। जो उस ब्याज को रिसीव कर रहा है ना, उसके हाथ में वो पैसा भारत के अंदर इनकम बन जाता है। अगर ये याद नहीं रहे तो इसको फिर से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए। सीधी बात नो बकवास, भारत से कमाया है ना, अगेन वही बात आ गई, भारत से कमाया है ना तो उस ब्याज पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये सब टैक्स प्लानिंग का स्कोप है, ब्याज रीच के अंदर मैं आपको नहीं बता सकता। ये टैक्स प्लानिंग के हिसाब से डाला गया है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज भी तो काम करती है। सोचो ना यार, मल्टीनेशनल कंपनीज भी तो काम करती है, किसी दूसरे देश से लोन लेके भारत में व्यापार करके उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं और अपनी बिजनेस इनकम को भारत में कम देते, क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा पीएल से चार्ज होता है। 2 मिनट में प्लीज समझ लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हैवी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पे 2 इंटरेस्ट दिखा के अपना प्रॉफिट कम पे कम कर लिए। मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट बेटा कहाँ गए, मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट आपका 1000 करोड़ का है, ठीक है, लेकिन इसने 2 प्रॉफिट, लेकिन भाई साहब ने दिखा दिया 2 इंटरेस्ट 900 करोड़, ठीक, तो यहाँ पे तुरंत आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 करोड़, और इसी के ऊपर 30% का टैक्स मिलेगा इंडिया को। और अगर कोई मल्टीनेशनल ग्रुप होगा जो किसी अपने किसी देश के सेम देश के दूसरे ग्रुप से लोन देके दिखाएगा कि कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है, तो भाई साहब ये तो 100 करोड़ का केवल हमें पैसा मिलेगा, बाकी ये सब तो मल्टीनेशनल ग्रुप, मल्टीनेशनल कंपनियां तो एक ही रहेंगी, वापस में इस तरीके का मैनिपुलेशन कर जाती। इसलिए कहा गया कि व्यापार अगर भारत में हुआ है तो अगर आप अपने पीएल में ना उसका ब्याज चार्ज करते हो, तो जो आदमी वो ब्याज पाया है उसके हाथ में ये इनकम बना दी जाएगी। इतना समझाया मैंने आपको, इससे ज्यादा टाइम अभ्यास रीच के अंदर देना पॉसिबल नहीं है। चलो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा बाद में, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वाला पॉइंट भी है। चलो ये पढ़ते हैं। रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट to a non-resident in respect of business carried on outside India. तुरंत contradictory, तुरंत भाई साहब contradictory। देखो चौथा, ये taxable नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन लो भाई, यहाँ पे taxable नहीं होगा, इसको भी caution मारिए। ये तुरंत royalty paid by a resident to non-resident, अब क्या हो रहा है, एक resident किसी NR को royalty दे रहा है, royalty किस चीज के लिए दे रहा है, देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया। भैया वो मान लो यहां पे जाके यूएसए में बिजनेस कर रहा है, तब वो दे रहा है। वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड एज द एक्सेप्शन ऑफ डीम्ड अक्रूवल मेंशन्ड इन सेक्शन 91। मतलब बिजनेस अगर देश के बाहर हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना यार, भारत का आदमी, एग्जाम्पल को समझो, हम डिस्करेज नहीं ना करेंगे अपने आदमी को, भारत का आदमी, ये एक एग्जाम्पल समझो प्लीज, ऐसा हो सकता है ना कि भारत का आदमी आपसे फ्रांस से कोई रॉयल कोई टेक्निकल नो हाउ की रॉयल्टी उसको पे कर रहा है, ठीक है, और वहां से रॉयल्टी लेके उसका यूटिलाइज करके आपको कहाँ करा है, कोई भी कंट्री बताइए, चलो श्रीलंका में यहाँ पे बिजनेस कर रहा है उस रॉयल्टी का यूज करके, तो भाई साहब यहाँ पे रॉयल्टी का यूज करके श्रीलंका में बिजनेस कर रहा है, तो भाई साहब उसको हम इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, तो इस नॉन रेसिडेंट को जो रॉयल्टी मिल रही है उस रॉयल्टी को इनकम नहीं कहा जाएगा, ये याद रखना। ये जो रेसिडेंट है ना, ये जो इनकम जनरेट करेगा वो तो भारत में टैक्सेबल होगी, बच्चों की गलती होती है इसलिए हम इस कंसेप्ट को समझा रहे हैं, ये जो रेसिडेंट है उसकी तो इनकम कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है कि इस रॉयल्टी का पेमेंट जो फ्रांस में किया जा रहा है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस भी इंडिया के बाहर हो रहा था, श्रीलंका में हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे बात लिख दी गई है, बिजनेस कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया वुड नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो रॉयल्टी इंडिया में रिसीव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में रिसीव हो गई तो इंडिया में कमाई हो पाए हो या सर्विस यूटिलाइज हुई है, तो ये जो रॉयल्टी है वो डायरेक्ट पेमेंट ऐसे चल जाएगा, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने एक बार इमेज में फिर से बता दिया, चलो एक बार फिर से बता देते हैं, इस क्वेश्चन में ये बोला था कि एक इंडिया का आदमी फ्रांस से रॉयल्टी वन से कुछ सर्विसेज लेता है, टेक्निकल सर्विसेज लेता है, और बिजनेस जाके कहाँ कर रहा है, श्रीलंका में कर रहा है, लंका यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दे रहे हैं एक बार, और उसके बाद यहाँ से उसको रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है,
तो सर ये जो रॉयल्टी है ना, ये रॉयल्टी फ्रांस के हाथ में जा रही है, ये फ्रांस के पास जा रही है। हाँ सर, तो ये रॉयल्टी भारत में टैक्सेबल नहीं होगी। क्वेश्चन भी था कि रिसिपिएंट के हाथ में क्या इंडिया में वो इनकम टैक्सेबल आएगी, तो रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल नहीं आएगी। लेकिन ये बात याद रखना, ये आदमी जो बिजनेस कर रहा है, इसकी जो भी बिजनेस श्रीलंका में हो रही है, वो बिजनेस इनकम तो भैया यहाँ पे टैक्सेबल होगी, क्योंकि अगर आप एक रेसिडेंट है तो आपकी हर जगह की इनकम भारत में टैक्सेबल, तो ये श्रीलंका वाले बिजनेस की इनकम तो टैक्सेबल होगी, लेकिन ये रॉयल्टी खर्चा था मेरे भाई, खर्चा था, तो वो फ्रांस वाले के हाथ में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। अब समझ में आया हो तो ठीक है, वरना इसका क्वेश्चन आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, रेगुलर बैच नहीं है बेटा, वरना बहुत डिटेल पढ़ाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लीगल चार्जेस ऑफ 5 लाख पेड टू दिल्ली टू अ लॉयर पेड इन दिल्ली, दिल्ली में पैसा पे किए हो ना, अब तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस, दिल्ली में पाए हो, दिल्ली में कमाए हो, या दिल्ली में सर्विस यूटिलाइज हुई हो, दिल्ली में पैसा दे रहे हो ना, टैक्स तो लग ही रहा होगा रिसिपिएंट के हाथ में। सीधा मैंने जो स्टेप बताया सीधा समझो, टू यूनाइटेड किंगडम हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट इन द केस ऑफ न्यू दिल्ली कोर्ट, सीधी बात है भाई, पूरा पूरा 5 लाख टैक्सेबल होगा, देखो टैक्सेबल 5 लाख, क्योंकि वो आके दिल्ली में अपनी सर्विस दिया है, यूटिलाइज भी दिल्ली में हुई है, पैसा भी दिल्ली में पाया, सब कंडीशन तो लग गई। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इनकम व्हिच अक्रू और राइज इन इंडिया और व्हिच इज डीम्ड टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया और व्हिच इज रिसीव्ड इन इंडिया और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो पैसा डीम्ड टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया हो या अक्रू और राइज इन इंडिया हो, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो या रिसीव्ड इन इंडिया, वाह, देयरफॉर लीगल चार्जेस पेड इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट लॉयर ऑफ यूके हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट द केस इन दिल्ली हाई कोर्ट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। इससे ज्यादा तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ सर्विस भी भारत में यूटिलाइज हुई है, सर्विस दी भी भारत में गई है, सर्विस अर्न भी भारत में, मतलब वो इनकम अर्न भी भारत में की गई है और इनकम मिली भी भारत में, सारी कंडीशन तो लग रही है यार, तो सीधी बात है वो पैसा भारत में टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो दिमाग नहीं कहेंगे हम, कहेंगे चैप्टर नंबर 7 की कुछ बातें जो याद रखनी है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 19,000 रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट एसएससी मिस्टर राम एज 46 ईयर, 19,000 रुपए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के लिए मिस्टर राम को दिए गए हैं, तो इसमें ये पार्टली टैक्सेबल होगा। पार्टली टैक्सेबल कैसे, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलता है उस पर 3,500 रुपए की डिडक्शन मिलती है, तो ये 17,000, 19 था कि 17 था बेटा, 19,000 में, यहाँ पे जो 19,000 था ना, इसमें सर 3,500 रुपए की डिडक्शन आपको दी है पोस्ट ऑफिस वाली, और 80 TTA 10,000 की भी डिडक्शन इन्होंने दे दी है, तो सर यहाँ पे ये टोटल करो, 10,000 माइनस 19,000 माइनस 10,000 माइनस 3,500 करने के बाद सर ये 5,500 रुपए पार्टली टैक्सेबल किया है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिमेंबर करने वाला पॉइंट है। देखो द इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015 ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 3,500 इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक, फर्दर इंटरेस्ट अप टू 10,000 वुड बी अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA फ्रॉम ग्रॉस टोटल बैलेंस, बैलेंस 5,500 दैट इज 19,000 माइनस 3,500 माइनस 10,000 वुड बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राम एज अ रेसिडेंट। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद करने वाला है, बिकॉज या तो आप 3,500 नहीं देते हो या तो 10,000 नहीं देते हो, बट ये याद रखना दोनों को ही डिडक्ट करना है, दोनों ही डिडक्शन मिलेगी, पोस्ट ऑफिस वाली 3,500 भी मिलेगी और 80 TTA वाली भी मिलती है आपकी 10,000 रुपए। और व्हाट्सएप पे बताओ 80 TTB की लिमिट क्या है और 80 TTB किसको मिलता है, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, चलो यही बताओ तुम लोग, ठीक है, ठीक है। तो चलो सर, आज आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है, इसी के साथ आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी रीडिंग।